नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे रोस्टेड नमकीन बादाम, बहुत अच्छे लगते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप बादाम ले लिए हैं और आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। नमक में हम दो छोटी चम्मच पानी डालेंगे और नमक को घुलने तक हम इसे मिलाएंगे। हम ये नमक का पानी बादाम के ऊपर डालेंगे, बादाम को अच्छे तरीके से मिलाएंगे, पानी सारे बादाम के ऊपर आ जाना चाहिए। और अब हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने ये दो कप नमक लिया है, यूज्ड नमक है, पहले भी हम इसे यूज कर चुके हैं, तो जब भी हमें चाहिए तब हम ये नमक यूज़ कर लेते हैं। ये नमक हम कढ़ाई में डाल देंगे। बादाम को रोस्ट करने के लिए कढ़ाई भी भारी तले की होनी चाहिए। गैस ऑन कर देते हैं। नमक को हम एक एक मिनट में इस तरीके से चला देंगे ताकि नमक ऊपर तक अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। और ये बादाम जो हमने नमक का पानी लगा कर रखे हैं वो भी हम इसी तरीके से एक एक मिनट में चला देंगे। अगर पानी नीचे चला जाएगा तो वो मिल जाएगा। नमक को हम पूरे 5 मिनट तक गर्म करेंगे। नमक अच्छा गर्म हो गया है। नमक को गर्म करने में हमने पूरे 5 मिनट लगाए हैं और 5 मिनट में हमारी ये बादाम भी हल्के से नम होकर तैयार हो गए हैं। अब हम ये बादाम नमक में डाल देंगे और बादाम को लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। आग मीडियम कर देंगे। बादाम अच्छे फूले दिखाई दे रहे हैं और खुशबू भी आ रही है। बादाम रोस्ट होकर तैयार हैं। हम इन्हें छान लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। बादाम को अलग प्लेट में रख लेते हैं। और इन बादाम को रोस्ट करने में 3 मिनट लगे हैं। बादाम के ऊपर हल्का सा नमक दिख रहा है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो हम इन्हें इस तरीके से झड़ा दें या कपड़े से पोंछ दें, कम हो जाएगा। तो हम ये बादाम ठंडे होने देते हैं। ठंडे होने के बाद ये नमकीन होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो रोस्टेड नमकीन बादाम ठंडा होने के बाद खाने के लिए तैयार हैं। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बादाम है ये। और इन्हें बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, नमक को पूरी तरीके से गर्म करना है, बादाम डाल देने हैं, इसके बाद गैस बिल्कुल मीडियम और मीडियम से कम कर लें। बादाम को घड़ी से देखकर 3 मिनट रोस्ट करें और तुरंत छान लें। थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो ये थोड़े जल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत अच्छे रोस्टेड नमकीन बादाम बनकर तैयार होंगे। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और कभी भी आप कंटेनर से निकालें और खाएं, सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।